मेरे चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाते हैं कॉर्न कटलेट। बारिश के मौसम में भुट्टों का आनंद लेते हैं कटलेट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पोहे, जो मैंने ये एक कटोरे पोहे लिए हैं ये, और जिसको ये साइज़ का कटोरा लिया, ये पोहे मैंने इसमें डाले हैं। और अब मैंने ये एक कटोरा पोहा, ये जो साइज़ का है बस इतना सा एक कटोरा पोहा मैंने इसमें डाला है। और इसमें मैंने ये पानी डाल दिया, और पानी डाल के ये पानी मैं सारा निकाल देती हूँ। और बस ये धुल गया ना, ये पानी निकाल के अब मैंने इसे ये छोड़ देना इस तरह भीगने के लिए। बस इसे भीगने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ, बस को मैं ढक देती हूँ, ये भीग जाएंगे। और ये चार कच्चे केले हैं जिनको मैंने आधे आधे करके कुकर में दो सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। अब ये ठंडे हो गए हैं तो इसको निकाल के मैं छील ले रही हूँ। इसको हम केलों को छील लेंगे, इस तरह छील के इसके सारे निकाल लेंगे। ये हमारे केले हमने छील लिए हैं, अब इन्हें हम मैश कर लेते हैं अच्छे से। ये इस तरह हमने केलों को मैश कर लिया है, और हम इसे भी अलग रख देते हैं। अब हम ये लिया, इस पर हमने किसनी रखी, और हम ये दो भुट्टे ये लिए मैंने, इन दोनों भुट्टों को मैं इस पर किस लूँगी। ये मैंने इसमें एक चम्मच तेल डाला है, और मैं गैस ऑन कर दे रही हूँ। इसमें हमें चाहिए यही गरम मसाला, अजवाइन, जीरा, सौंफ, हल्दी, नमक, और ये एक बड़ी हरी मिर्च बारीक कतरी हुई। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। इसमें हमने तेल डाल दिया था, वो तेल अब गर्म हो गया है। अब इसमें मैं चुटकी भर हींग डाल रही हूँ। ये बस हींग मेरी गर्म हो जाती है, ये हमारी हींग चटक गई है। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा, चौथाई चम्मच ये सौंफ, और ये मैंने अजवाइन डाल दिया है, और साथ में डाली है मैंने ये हरी मिर्च। ये हमारी थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च नहीं डाल रहे, इसलिए हरी मिर्च का उपयोग अच्छे से करेंगे। अगर आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन इस मौसम में हरी मिर्च बहुत ज़्यादा आती है और बहुत अच्छी आती है, इसलिए उसका फ्लेवर और टेस्ट अलग ही आता है। अगर आप चाहें, पसंद करते हैं, तो लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बस ये भुट्टा जो हमने किसा था ना, उस किसे हुए भुट्टे को हमने इसमें डाल दिया है। और अब इस वक्त हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस ये भुट्टा है ना, ये इसमें थोड़ा सा सिक जाए, बस इतना सा करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है। करीब इसे 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे। आप इसमें करिए, चाहे किसी छोटी कढ़ाई में भी इसे भुट्टे को आप कर सकते हैं। इस तरह में करीब 5-1 मिनट तक इसको पकाना है। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं, और इसे हम अच्छी तरह हिला लेते हैं। ये देखिए, ये डो पूरा एक डो की तरह ये तैयार हो चुका है, है ना, पूरा पूरा ये डो तैयार हो गया, बहुत अच्छे से ये सिक गया। देखिए कलर भी बदल गया, भुट्टे का ट्रांसपेरेंट हो गया है। बस इस स्टेज पे हम इसे बंद कर देंगे। अब इसमें मैं आधा चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ, और बस ये हमारा डो तैयार हो गया। ये पोहे जो हमने धो के रखे थे, वो देखिए अब अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें मैं ये जो कच्चे केले जो हमने
बॉईल करके मैश किए थे वो हम इसमें डाल रहे हैं। कच्चे केले हेल्थ के लिए वैसे बहुत अच्छे होते हैं और इसमें स्टार्च की मात्रा कम होती है, कैलोरीज़ भी कम होती हैं और सेहत के लिए भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए हम इसमें हमने ये कच्चे केले मिक्स कर दिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ में इसमें डालूंगी, ये मैंने 3 हरी मिर्चियाँ हैं जिनके बीज निकाल के मैंने बारीक कतर लिया है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1/3 हम डालेंगे इसमें हींग और 1/2 चम्मच इसमें डलेगा गरम मसाला। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, वो तो जाना ही है। और अब हम इसके साथ डलेगा इसमें नींबू का रस जो करीब 1/2 चम्मच है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून, बहुत बिल्कुल कम, ज़रा सी, इतनी सी हमें चीनी चाहिए वो मैं इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल कम डालनी है, आप ना भी डालेंगे तब भी चलेगा, पर हल्का सा होने से उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, बढ़ जाता है और बहुत ही वो अच्छा लगने लगता है। और अब इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल जरा सी, 1/4 से भी कम, 1/8 समझ लीजिए, हल्दी बस। ये हमने गैस ऑन कर दिया और ये तेल गर्म होने रख दिया। ये तेल गर्म होता है उतनी देर में हम अपने कटलेट्स बना लेते हैं। मैंने जैसे ये इतना बड़ा एक ये लिया है इस वाले डो का जो हमने बाद में बनाया, और उसमें हम ये थोड़ा सा ये वाला डो, कौन सा, ये मसाला, जिस भुट्टे का मसाला, वो हम इसमें अच्छे से भर देंगे और इसको हम ऊपर से डाल के पैक कर देंगे। और ये अब हमारी मर्जी, हम चाहे जिस शेप में बनाएं, इसे बॉल की शेप में भी कर सकते हैं और इसे हम कटलेट की शेप में भी दे सकते हैं, हमारी मनपसंद की शेप में हम इसे बना सकते हैं। ये हमारे एक बन के तैयार हो गया है, बस इसी तरह हम सारे कटलेट्स बना लेने हैं। एक बॉल लिया हमने मसाले का, उसको हमने ऐसे फैलाया और उसमें अब हम ये भुट्टे का मसाला हम भर देंगे और इसको अच्छे से पैक कर देंगे। और इसको शेप दे देंगे। ये हमारा दूसरा भी हमने तैयार कर लिया। इस तरह हम सारे कटलेट्स तैयार करके फिर से हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये तीनों ही अब हम इसमें आराम से डाल देते हैं। इसे हमें तेज आंच पे करना है, नहीं तो ये तेल पी जाएंगे, वरना बहुत अच्छे और कुरकुरे बनेंगे और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे। बस इस तरह हम इसे होने देते हैं। ये बस ये हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और जो हमारे दूसरे तैयार हो चुके हैं उन्हें मैं इसमें
डाल देते हैं। ये हमारे कॉर्न कटलेट तैयार हैं। इस मौसम में अगर कॉर्न से कटलेट नहीं बनाए तो क्या बनाए, कटलेट तो वैसे ही बनाते रहते, लेकिन इस बार कॉर्न के साथ कटलेट बना के देखिए, बहुत इजी और बहुत टेस्टी, ज़रूर बनाइए। और इन शानदार भुट्टे के कटलेट्स को यानी कॉर्न कटलेट्स को आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ, हरी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी, टोमेटो केचप या चाय के साथ, जिसके साथ आप चाहें एंजॉय करिए और मौसम का आनंद लीजिए। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ के लिए उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।